अरे कहाँ घूमे हैं आप? किस बात का प्रधान बने हो तुम? किस बात का नेता बनने आए हो तुम? अरे ये स्थिति तो देखिए, किस तरीके से जी रहे हैं ये, किस तरीके से जीवन यापन हो रहा है इनका। या फिर बस ऐसे हवा में उड़ते रहिएगा, वोट मांगते रहिएगा और जनता को गुमराह करते रहिएगा और बेवकूफ बनाते रहिएगा, और इसी में बच्चे सोते भी हैं, इसी में इनका पूरा जीवन यापन होता है। और आप ऊपर देखिए थोड़ा, जहाज पानी टपकता है। नेताओं को शर्म आना चाहिए ऐसी दयनीय स्थिति पर। नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, प्रधानों को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए कि ऐसी दयनीय स्थिति आपको देखी नहीं जा रही है। प्रयागराज जिले के लतीफपुर गांव में मौजूद हूं मैं। यहां पे आपको ग्राउंड जीरो पर आम लोगों की जिंदगी की स्थिति दिखाने आया हूं। मैं आपको स्थिति दिखाने आया हूं कि कैसे लोग यहां पर रह रहे हैं और उनकी जिंदगी कैसे आगे बढ़ रही है। मेरे साथ इस वक्त कुसुम जी हैं। कुसुम जी के ठीक पीछे ये उनका घर है जिसमें ये, इनके पति और इनके दो तीन बच्चे रहते हैं। सरकार की तरफ से इन्हें जो सरकारी आवास मिलना चाहिए वो मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? इसके पीछे तमाम कारण हो सकते हैं, राजनीतिक कारण हो सकते हैं, व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं, लेकिन मिलना चाहिए ये हम कह रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है घर की सबसे ज्यादा आवश्यकता इस पूरे गांव में इन्हीं को है। राशन मिलता है आपको? कुछ नहीं। राशन कार्ड ही नहीं है आपके पास? नहीं। तो आप कोचेदार से बोले कि हमारा राशन कार्ड बनवा दीजिए। बोले रहे कहां पैसा दे बनवाई। पैसा दे बनवाई? कितना पैसा मांगत रहे? तब कुछ तो दो 500 कितना मांगत रहे? 100-200 मांगत रहे। अच्छा 100-200 नहीं तब राशन कार्ड बनवाई दी। राशन नहीं मिलते नहीं, कुछ नहीं। कितने महीने से आपको राशन नहीं मिल रहा है? थोड़ा उधर हो जाए। हमको 2-3 साल से हमें आई रही है, बाहर रात रहे, बाहर से आए 2-3 साल से ही। तो 2-3 साल से आपको राशन नहीं मिल रहा है? नहीं। सरकारी आवास भी आपको नहीं मिला है? नहीं। तो कैसे रहते आप लोग बारिश में, इसमें कैसे रहते होंगे? थोड़ा खोलेंगे आप इसको? थोड़ा खोलिए ना। ये देखिए, ये लतीफपुर गांव है और यहाँ की मैं आपको दयनीय स्थिति दिखाने जा रहा हूँ। ये नेता लोग जो बड़ी बड़ी गाड़ी लेके निकले हैं, कभी थोड़ा इधर भी आप लोग आइए, थोड़ा स्थिति तो देखिए कि किसको सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है। या फिर बस ऐसे हवा में उड़ते रहिएगा, वोट मांगते रहिएगा और जनता को गुमराह करते रहिएगा और बेवकूफ बनाते रहिएगा। आइए मैं आपको अंदर की स्थिति दिखाता हूँ। ये कुसुम जी का घर है जिसमें वो अपने बच्चों के साथ रहती है। आइए थोड़ा अंदर चलेंगे, आपको मैं अंदर की स्थिति दिखाने जा रहा हूँ। ये है अंदर की स्थिति। ये रहा लकड़ी जिससे ये बनाती है खाना। ये रहा उतना डिब्बा जिसमें आटा चावल गेहूं रखा गया है, इसी में बनता है इनका खाना और इसी में बच्चे सोते भी हैं, इसी में इनका पूरा जीवन यापन होता है। और आप ऊपर देखिए थोड़ा, जहाज पानी टपकता है। नेताओं को शर्म आना चाहिए ऐसी दयनीय स्थिति पर। नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, प्रधानों को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए कि ऐसी दयनीय स्थिति आपको देखी नहीं जा रही है। अरे कहाँ घूमे हैं आप? किस बात का प्रधान बने हो तुम? किस बात का नेता बनने आए हो तुम? अरे ये स्थिति तो देखिए, किस तरीके से जी रहे हैं, किस तरीके से जीवन यापन हो रहा है इनका। जब रात को बारिश होता है तो कैसा आप रहते हैं? सोते नहीं है रात में? बारिश में सो नहीं पाते आप लोग? बचे ही नहीं पाते, भीग जाते कपड़ा उड़ाना। तो ठंड में भी, ठंड भी तो उसमें बहुत लगता होगा, चारों तरफ से खुला है। स्थिति बड़ी दयनीय है। खाओ पिए को राशन ना बाजे दिन रात का करी, इसे ओलर जाए सुखो सुखो कई के बा। लड़का बच्चे दूठ लेके आओ का क्यों को कहो कोई करो तो क्यों दे मजदूर। अच्छा रोए से कोनो फायदा ना बने? बहुत रोते दे कहा के क्यों ना दे। आप रोते रहिए, कुछ आप रोते रहिए, सब आपको मजाक बना के चले जाएंगे। कहीं हाँ 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 में भले ही कुछ नहीं। उम्मीद है थोड़ा बहुत? का उम्मीद? कुछ नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। नहीं। तो दोस्तों इस वक्त मैं आपको अंदर की तस्वीर दिखा रहा था, कैसे कुसुम जी अपने बच्चों के साथ इस छोटे से कुटिया में जीवन यापन कर रही हैं। ये भारत का, ये 21वीं सदी का ये भारत है और ये भारत की तस्वीर है, कैसे लोग रह रहे हैं, कैसे लोग जी रहे हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए dilankadhan.com।